हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है गिवन कि इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 15,000 वोल्ट स्ट्राइक ए कॉपर टारगेट। द स्पीड ऑफ द एमिटेड एक्सरे इनसाइड द ट्यूब इज हैज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट इज, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है दैट इज एक्सरे ट्यूब। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब। ठीक है, और सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या रहेगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड ऑफ लाइट एट वैक्यूम। क्या होता है दैट इज सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट एट वैक्यूम सी। ठीक है, नाउ एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, एक्सरे ट्यूब, लेट्स से दिस इज एन एक्सरे ट्यूब। ठीक है, एक्सरे ट्यूब के अंदर एक हमारा फिलामेंट रहता है। ठीक है, और एक रहता है हमारे पास टारगेट मेटीरियल। ठीक है, और इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते। ठीक है, कुछ ऐसे ना क्या होता है कि एक्सरे ट्यूब्स यहाँ पर क्या गिवन है कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 15,000 वोल्ट। ओके, एंड बोला गया कि द स्पीड ऑफ एमिटेड एक्सरे इन द ट्यूब। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके टारगेट मटेरियल पर आएगा। टारगेट मटेरियल से क्या होगा, एक्सरे निकलेगा। बट यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो ट्यूब है दिस इज व्हाट, दिस इज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, हम जो ट्यूब यूज करते हैं इसके अंदर वैक्यूम, एंड वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट एट वैक्यूम इज सी। ठीक है, दैट मीन्स इन दिस केस द स्पीड ऑफ एमिटेड emitted x-ray inside tube क्या हो जाएगा, this is equals to velocity of light because x-ray भी एक electromagnetic wave है। ठीक है, so इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वैक्यूम ये हो जाएगा सी क्यूब का, दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ।